हिमाचल प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? विक्रमादित्य सिंह पहले मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं, फिर जब इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो कहते हैं कि मैं इसके लिए दबाव नहीं डालूंगा। उनकी माँ और हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह कह देती हैं कि आलाकमान के सामने जो दिक्कतें रखी गई थी उनको पहले ही सुलझा लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। खैर, कांग्रेस अब हिमाचल में अपनी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश में दिख रही है। इस बीच कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि इसका विधानसभा के संख्या बल और बहुमत के आंकड़े पर क्या असर पड़ेगा? क्या फिलहाल कांग्रेस अपनी सरकार बचाने की हालत में है? चलिए हर बड़ी बात को टटोल लेते हैं। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूँ जो मैंने निर्णय लिया है। कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये फैसला किया है, आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का मौजूदा सियासी संकट तब खुलकर सामने आ गया जब पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी कांग्रेस यहाँ से राज्यसभा की सीट हार गई। उस वक्त कागजों पर कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 40 थी। 25 सीटें बीजेपी के पास थी और 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा था। मगर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें विधायक वोट करते हैं, तो इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। ये सब हुआ क्रॉस वोटिंग की वजह से, यानी कांग्रेस के खेमे के बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोटिंग कर दी। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है, और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। हालांकि ड्रॉ के जरिए रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस को अगला झटका तब लगा जब 28 फरवरी को पार्टी नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूँ जो मैंने निर्णय लिया है। इसके बाद बीजेपी दावा करने लगी कि अब राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस की सरकार गिर रही है, कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस दौरान वो राज्यसभा चुनाव के दौरान सामने आए संख्या बल की बात करने लगी, जिसके मुताबिक कांग्रेस को तब 34 विधायकों का ही समर्थन मिला जबकि 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 का था। इतना सब होने के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हुआ। उसने हालात संभालने के लिए आनन फानन में ऑब्जर्वर्स को हिमाचल भेजा। उधर राज्य सरकार के सामने बजट पास कराने की भी बड़ी चुनौती थी। खैर, इस बीच बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके पीछे ये दलील दी गई, अंदर इस तरह का वातावरण था कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, और दे वर ट्राइंग टू क्रिएट ए एटमॉस्फेयर कि मैं कहीं छोटा गुस्सा करूं और कुछ ऐसी हरकत करूं जिससे वो जो है दे कुड अटैक मी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया। 28 फरवरी को ही शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह के सुर नरम मालूम पड़े। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया, ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाए। हालांकि प्रतिभा सिंह ने जो बयान दिया उससे आलाकमान की भूमिका पर सवाल उठ गया। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठ कर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकाल कर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते।
अब एक साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीजों का सामना कर रहे हैं। खैर, 29 फरवरी को कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को हिमाचल विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। दे हैव डिफाइड द व्हिप एंड दे हैव अट्रैक्टेड द प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड माय द जजमेंट पार्ट इज एंड यू कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस आल्सो कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर दिस आई होल्ड दैट द रिस्पोंडेंट्स हैव इनकर्ड डिसक्वालिफिकेशन अंडर पैरा 2 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल एंड देयरफॉर आई होल्ड एंड डिक्लेयर दैट रिस्पोंडेंट नंबर 126 सीज टू बी मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली विद इमीडिएट इफेक्ट्स। ऐसे में अगर बीजेपी के सस्पेंड हुए 15 विधायकों को भी गिन लिया जाए तो विधानसभा का कुल संख्या बल 62 हो जाता है और बहुमत का आंकड़ा 32। 6 विधायक कम होने से कांग्रेस का संख्याबल हो जाता है 34। अब ये वो आंकड़े हैं जो कागजों पर दिख रहे हैं। ये आंकड़े जैसे दिख रहे हैं वैसे ही रहे तो कांग्रेस की सरकार बच जाएगी, मगर कांग्रेस में और बगावत हुई तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहां पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुडा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें।